हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। एंड मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम जीन सीक्वेंसिंग की बात कर रहे थे और मैक्सम गिलबर्ट वाला जो केमिकल मेथड था वो हमने जो है पढ़ लिया था। अब ये जीन ही सीक्वेंसिंग का टॉपिक है, पर यहाँ पे दूसरा जो है मेथड के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है आपका सैंगर डाइडियोक्सी मेथड, जिसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। तो चलते हैं, हमने आपको इसके बारे में डेफिनेशन बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में और इम्पॉर्टेंस भी बता दिया था। डायरेक्टली हम आते हैं इस टेक्निक पे, जो कि है आपका चेन टर्मिनेशन मेथड, जिसको सैंगर डाइडियोक्सी मेथड बोलते हैं। अब ये मैक्सम गिलबर्ट के ही जैसा है, थोड़ा सा टेक्निक का डिफरेंस है। इसको चेन टर्मिनेशन मेथड बोलते हैं, उसको क्या था, वो केमिकल मेथड था। वहाँ पे आपको पता है ATGC पे कुछ हमारे पास केमिकल थे, जो केमिकल उस बेसिस पे क्या करते थे, कट कर देते थे। और इसको डेवलप करा था सैंगर ने, इस वजह से इस टेक्निक का नाम सैंगर है। उसको मैक्सम गिलबर्ट ने करा था, इसलिए उस टेक्निक का नाम मैक्सम गिलबर्ट था। ओवरव्यू देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल आप क्या बताओगे मैक्सम वाले का, कि हमारे पास जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसको हम कुछ ऐसे केमिकल से कट करते हैं जो कि करस्पॉन्डिंग बेसिस को कट करते हैं, एक ए को, जी को, सी को और टी को। यहाँ पे क्या होता है, हम जो डीएनए एक हमारा सीक्वेंस होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम उसके वो कराते हैं, उसके अपोजिट स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं, जहाँ पे हम ऐसे न्यूक्लियोटाइड का यूज करते हैं जहाँ पे, जैसे आप डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की जगह डाई डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का यूज करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक आपके पास सीक्वेंस है ए टी जी सी टी टी जी सी, अब हम क्या करें, ए के साथ क्या जुड़ेगा, सॉरी टी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ऐसे ऐसे जो जुड़ता रहता है। ये जो जुड़ने वाला कार्यक्रम है ये तब चलता रहता है जब आपके पास क्या हो, डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। पर यहां पे ध्यान आप दोगे तो डबल डी लिखा हुआ है, दैट मींस डाई डी ऑक्सी। डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो हमारा सेल यूज करता है, जो हम यूजली यूज करते हैं, उससे आप किसी भी एक सीक्वेंस के जो करस्पॉन्डिंग वो है उसके स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज कर सकते हो। डीएनए पॉलीमरेज वगैरह से पीसीआर में होता है, वहां पे हम डीएनटीपीज का यूज कर सकते हैं। डीएनटीपी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी न्यूक्लियो ट्राईफॉस्फेट्स, जो कि है ए टी जी सी जो भी हुआ। पर इस टेक्निक में आप कंफ्यूज मत होइएगा, डी एन टी पीज एंड डी डी एन टी पीज आर टू डिफरेंट न्यूक्लियो ट्राईफॉस्फेट्स, ठीक, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट्स। ये अगर आप डी डी का यूज करते हो तो आप इसके पास जहां पे वो जोड़ता है ना थ्री एंड पे, वो वाला इसमें होता नहीं है। तो अगर ये वाला आपके कहीं आपने एकाध केमिकल डाल दिया, मान लो यहाँ पे जो सारे जो बेसिस हैं वो जुड़े हुए हैं डी एन टी पीज, और ये जी वाला क्या था, डी डी एन टी पीज, फिर इसके आगे कहानी खत्म है। ये अपने आगे किसी को जुड़ने नहीं देगा, तो उसी टेक्निक का इसमें यूज करा गया है। तो हम देखते हैं कैसे होगा आगे पता कर। तो यही प्रिंसिपल है इसमें, इसमें हम डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं जहां पे हम चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करते हैं, विच आर डीडीएनटीपीज। उस पे फ्लोरेसेंट मार्कर्स लगा रहता है, मतलब जो फ्लोरेसेस करते हैं, ठीक, चमकते हैं या लाइट इमिट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वैसे ही डीएनए फ्रेगमेंट का प्रिपरेशन करेंगे। पहले पे जो बात, तो जो आपको डीएनए का सीक्वेंस करना है उसको हम डीनेचर करेंगे। डीनेचर का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, मतलब जो भी आप डीएनए सेगमेंट को सीक्वेंस आप करते हो वो तो डीएनए भाई डबल स्ट्रैंड रहेगा ना, तो उसको डीनेचुरेशन प्रोसेस में वो सिंगल स्ट्रैंड का हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। अब एक काम हो गया, दूसरे पे चलते हैं। अब हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर रहता है, जहाँ पे पहले हमने क्या करा, सिंगल स्ट्रैंड का हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हमने डीनेचर करके ये रख लिया। दूसरा हमारे पास प्राइमर होना चाहिए, प्राइमर जरूरी होता है आपको पता है ना, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए या डीएनए सिंथेसिस के लिए, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है डीएनए सिंथेसिस का। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, जो कि एक एंजाइम होगा जो इसमें एटीजीसी लगाता है, वो होना चाहिए, ठीक, ये लिखा हुआ है, विच एड्स न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। फिर आपके पास चार टाइप के डीडीएनटीपीज होने चाहिए, डबल डी है ध्यान में रखिएगा, जो कि लेबल्ड हो फ्लोरेसेंट मार्कर से। अब हम डीएनए सिंथेसिस करेंगे, इसके साथ केवल डीडीएनटीपीज नहीं डीएनटीपीज भी हमें चाहिए होगा, नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ये देखो, जो अब पहला काम क्या हुआ, आप जैसे ही इसका डीएनए सिंथेसिस करना स्टार्ट करोगे, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे नॉर्मल डी वाला है, जो कि मैं बोल रहा हूँ डीएनटीपीज, डीएटीपीज, डीसीटीपीज, डीजीटीपीज एंड डीटीटीपीज, टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट मतलब इसमें जिसका हमें सीक्वेंस पता करना है उसमें ऐड करना स्टार्ट करेगा। पर हमने उसमें डीएनटीपीज के अलावा डीडीएनटीपीज भी एक निश्चित मात्रा में डाला हुआ है। अब वो क्या करेगा, चेन टर्मिनेशन करेगा,
ऑकेशनली, देखो हमेशा नहीं, जैसे वहां पे केमिकल मैंने बताया था ना मैक्सम वाले में, ये केमिकल का यूज करते हैं पर इतना नहीं यूज करते हैं हम कि सारा का सारा वो हर जगह ही कट कर दे, तो ऐसे यहाँ पे भी है ऑकेशनली जो आपके डी डी एन टी पीज हैं चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बीच बीच में डी एन टी पीज के स्थान पे। तो ये डी डी एन टी पी जैसे ही यहाँ पे होंगे इनकॉर्पोरेटिंग के पास 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि जुड़ने में मदद करता है अलग न्यूक्लियोटाइड्स को, वो होता ही नहीं है तो उसके बाद वो डीएनए का स्ट्रैंड इलांगेट ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम फ्रैगमेंट का ऐसे ही जब पूरा हो जाता है सारा रिएक्शन, हम फ्रैगमेंट का सेपरेशन करते हैं। अब जो मिक्सचर होता है जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड होगा और कई सारे पॉइंट्स पे वो टर्मिनेट होकर हो जाएगा और फिर हम उसको सेपरेट करते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है उससे, या जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जो कि मैक्सम वाले में भी यूज़ करा गया था। वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने बोला था, अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें वो सीविंग इफेक्ट देता है, साइज के बेसिस पे एक डायरेक्शन में जाता है, छोटा वाला आगे बड़ा वाला पीछे होता है, उसी में भी इसको भी रन कराते हैं। फिर जैसे वहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी थी, यहाँ पे हम फ्लोरेसेंस सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट जो माइग्रेट करते हैं जेल या कैपिलरी में, एक रोज जेल में जब वो माइग्रेट करते रहते हैं तो जो फ्लोरेसेंस उसमें लगा हुआ होता है डीडीएनटीपीज में सिग्नल्स इमिट करते हैं डिफरेंट कलर्स का, और इनका कलर अलग अलग होता है, ए के लिए अलग, सी के लिए अलग, जी के लिए अलग, टी के लिए अलग। तो जो फॉरवर्ड रन करते हैं वो मतलब जो सबसे आगे हैं वो एक कलर, मान लो मैंने कहा ए के लिए मैंने ग्रीन कलर का लगाया हुआ है तो आप समझ जाओगे आगे क्या है, ए है। फिर जो रेड कलर हुआ मान लो मैंने जी के साथ रेड लगाया हुआ तो आप समझ जाओगे ए है। ऐसे सी सी टी पूरा हमें अपोजिट डायरेक्शन का उसका बेसिस का पता चल जाता है, मशीन हमें बना देती है बता देती है रीडिंग द सीक्वेंस। सीक्वेंस मशीन जो होता है मैंने बताया ये डिटेक्ट करता है फ्लोरेसेंट सिग्नल को और ऑर्डर भी रिकॉर्ड कर लेता है डिफरेंट कलर का। मशीन क्या करती है उसको बेसिस के बारे में नहीं पता है एटीजीसी क्या है, वो उसी जो फ्लोरेसेंट होता है ए के लिए अलग कलर, जी के लिए अलग कलर, सी के लिए अलग कलर, टी के लिए अलग कलर, उन कलर्स का एक वो बना लेता है पहले कौन गया उसके बाद कौन गया वो ऑर्डर, और उसी ऑर्डर को वो करस्पॉन्डिंग बेसिस में जो होता है कन्वर्ट कर लेता है। अब हम ये रिकॉर्डेड डेटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस में। आउटपुट क्या होगा आपके पास, फिर वैसे जैसे मैक्सिमम वाले में था आपके पास एक डीएनए होगा जहां पे ए सी जी सी इसका कॉम्बिनेशन का होगा, सीक्वेंस आपके सामने होगा। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये था आपके पास एक डीएनए, इसको आप डीनेचर करोगे सिंगल स्ट्रैंड का हो जाएगा, फिर सिंगल स्ट्रैंड का सॉरी है ही ये, फिर एक प्राइमर आप लेबल्ड प्राइमर का यूज करोगे, इसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डालोगे, 4 डीएनटीपीज डालोगे नॉर्मल वाले डीएनटीपीज, और फिर इनका अलग अलग रिएक्शन कराओगे अलग अलग जगह, एक पे केवल डीडीएटीपीज रहेगा, एक में सब रहेगा नॉर्मल, केवल टीटीपीज डीडीटीपीज डाल दोगे, एक में चारों डीएनटीपीज रहेंगे उनके साथ डाई डीऑक्सी सीटीपीज डाल दोगे, एक में चारों रहेंगे मतलब इनका भी आप कह लीजिए 4 ट्यूब आपने बनाया 1 2 3 4, एक में सब रहेगा और बस उनके साथ एक डीडीए रहेगा डीडीएटीपी, फिर इसमें सब रहेगा बस डीडीटीपी, मतलब ये जहाँ पे ए जुड़ेगा वहाँ पे चेन टर्मिनेट कर देंगे, ये टी के जगह पे टर्मिनेट करेंगे, ये सी के जगह पे टर्मिनेट करेंगे, ये जी के जगह पे करके, और इन्हीं चार को आप इसी लेन में क्या करोगे डाल दोगे। वो रन कराने के बाद फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। मशीन क्या करता है, जो सबसे आगे इसमें आपको बैंड दिखेगा किस में दिख रहा है, टी में दिख रहा है, तो मशीन इसको तुरंत उसको कलर से ही पहचानेगा और यहाँ पे टी डाल देगा। उसके जस्ट पीछे जाएगा क्या, जी वाले लेन में जी डाल दिया, ऐसे ही यहाँ पे सी वाले लेन में फिर जी जी, तीन लगातार यहाँ से इसको उस किसी स्पेसिफिक कलर का सिग्नल मिलेगा, तो ऐसे वो लिखता जाएगा ठीक है, अपने आप उसको क्या करेगा कलर को कन्वर्ट करता हुआ जाएगा बेसिस में, और इसी को ये सीक्वेंस है जेल में, और इसी का अपोजिट होता है डीएनए सीक्वेंस, उसका उल्टा होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में डाल देते हैं, आपको ऑर्डर दिया रहेगा पूछेगा इसमें से कौन सा स्ट्रैंड है ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल वाला होता है उल्टा, ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये भी फिनिश हो गया आपका सैंगर सीक्वेंसिंग। होप कि ये आउटलाइन काफ़ी सरल है, ईजी है, आप इसी पिक्चर पर बेस्ड अपने पूरे नोट्स बना सकते हो। तो देखते रहे आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।